नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं दीपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइनली ईएमआरएस जैसे 2023 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है, तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कंग्रेचुलेशन। आपका जो अगला पड़ाव है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में अब लग जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी की आ गई है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टाइपिंग जो है वो आपकी कब तक हो सकती है, कितना टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा टाइपिंग जिस बंदे ने यहाँ पे क्वालिफाई कर ली, ये समझ जाओ उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनली जो है आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट जो है अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो कट ऑफ वगैरह नहीं डिक्लेयर की है, सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पे जो बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए हैं वो 2678 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कुछ ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई यहाँ पे हो गए, ठीक है। 2678 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए गए हैं। इनकी जो टाइपिंग है वो बहुत जल्द होगी। टाइपिंग के लिए उन्होंने ये बताया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिए, टाइपिंग की जो डेट है वो बहुत जल्द यहाँ पे आपकी अपडेट कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या है कि नीचे इन्होंने रोल नंबर दिया है पूरा, तो यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रोल नंबर आपका एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। बाकी ये जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक रफली आइडिया मैं आपको देता हूँ। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने मार्क्स बताए कि हमारे इतने मार्क्स थे और हमारा सिलेक्शन हो गया, तो उससे एक रफली आइडिया आप ले सकते हैं। बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप UR OBC EWS से हैं और 100 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे ESM वाले एस्पिरेंट का 85 नंबर था, उसका सिलेक्शन हो गया। OBC का एक एस्पिरेंट, उसने मैसेज किया, उसके 96 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। UR वाले बच्चे ने मैसेज किया, उसका 97.5 मार्क्स थे, उसका सिलेक्शन हो गया। SC वाला एक एस्पिरेंट था, उसके 96.5 मार्क्स थे, उसका भी सिलेक्शन हो गया। 94 वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। SC की कट ऑफ इससे कम ही रही। आप ये समझो कि OBC का अगर यहाँ पे 96 पे हो गया तो SC वाले का 94 वाले का जो है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। उसके अलावा अगर हम टाइपिंग की डेट की बात करें कि टाइपिंग जो है वो कब तक हो सकती है, आप देख पा रहे होंगे कि जो EMRS है वो काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर रहा है। लास्ट जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 31 दिसंबर को हुआ था और एक महीने भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने सभी इस जो जितनी भी पोस्ट हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग, सभी पोस्ट का जो रिजल्ट है वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। KVS की जो टाइपिंग पिछली बार हुई थी, रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग हो गई थी, तो ये आप मान के चल सकते हो कि 15 आपके लिए जो डेडलाइन है वो ये है कि आप ये समझो कि 15 फरवरी तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। बाकी फरवरी आप ये समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम देंगे तो फरवरी लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपकी जो टाइपिंग है वो हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जिस बंदे ने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर ये समझो कि यहाँ पे आपका मतलब इंक्रीज़ होने की बात छोड़ दो, आपकी कट ऑफ हो सकता है डिक्रीज़ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये टाइम बहुत कम दे रहे हैं और टाइम कम देने की वजह से आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि जितनी वैकेंसी उतने बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई ना कर पाएँ, क्योंकि 35 की स्पीड यहाँ पे इन्होंने मांगी है और केवल 2600 कुछ बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया है। तो जिन बच्चों का जो बच्चे यहाँ पे मतलब जिनका रोल नंबर एग्जिस्ट करता है, आप ये मान के चलो कि आपको अपना टाइपिंग में 100% देना है। अगर टाइपिंग आपने क्वालिफाई कर लिया तो समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग भी अब आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसे जैसा हो। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो है आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल जैसे जैसा है। जब आप जैसे का टाइपिंग दोगे, इस तरीके से आपका फ़ोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, इस तरीके से टाइमर आपका चलेगा, यहाँ पे जो है आपका कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा, इस तरीके से स्क्रोल बटन होगा, यहाँ पे आपको स्क्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अलावा हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं।
तो सिर्फ आपको जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें अगर इन 250 पैसेस को आप अगर कवर कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके हैं, क्योंकि ये 250 जो पैसेज हैं वो CHSL CGL एग्ज़ाम में आए हुए पैसेज हैं। मतलब ये वो पैसेज हैं जो CGL CHSL में आ चुके हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेवेंट जो कंटेंट है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जुड़ लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।